अगस्त और आपके साथ मैं शिवानी। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों के साथ। ग्राम प्रधान एवं ग्राम सचिव की तानाशाही के चलते गांव में वर्षों से कोई विकास कार्य न होने पर गुस्साए ग्रामीण उतरे सड़कों पर। ग्राम प्रधान मुर्दाबाद जमकर की नारेबाजी। हापुड़ जनपद के जिलाधिकारी आवास से चंद कदमों की दूरी पर स्थित ग्राम पंचायत मुरादनगर गाँव मुरादपुर के गाँव वासियों ने ग्राम प्रधान एवं ग्राम सचिव की तानाशाही से परेशान होकर पूरे ग्राम में ग्राम प्रधान सौम्या चौधरी मुर्दाबाद, प्रधान पति अमरदीप मुर्दाबाद एवं ग्राम सचिव मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए जुलूस निकाला और नारेबाजी करते हुए ग्रामवासी पहले जिलाधिकारी आवास पर नारेबाजी करते हुए जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और जिला कलेक्ट्रेट में धरना प्रदर्शन कर ग्राम प्रधान मुर्दाबाद ग्राम प्रधान इस्तीफा दो के साथ नारेबाजी की। राष्ट्रीय भ्रष्टाचार उन्मूलन समिति की पंचायती राज विभाग से प्रदेश सचिव चंद्रकिरण कश्यप ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। संगठन के प्रदेश सचिव चंद्रकिरण कश्यप ने बताया कि ग्राम की पिछले 5 वर्षों से शिकायत संबंधित विभाग में सभी अधिकारियों से की गई है। ग्रामवासियों द्वारा शिकायत संगठन को काफी दिनों से की जा रही है, जिसको संगठन द्वारा संज्ञान लेते हुए संगठन के पंचायती राज विभाग से प्रदेश सचिव स्वयं मुरादपुर में ग्रामीणों की समस्या को सुनने पहुंची। जैसे ही ग्रामवासियों के बीच पहुंचे तो ग्रामवासियों ने बताया कि लगभग पिछले 6 महीने से पानी की टंकी पानी सप्लाई नहीं आ रहा है। गांव का मुख्य रास्ता टूटा हुआ है। धार्मिक स्थल शिव मंदिर के रास्ते का निर्माण कार्य नहीं। गांव में नाली खड़ंजे टूटे हुए हैं। शमशान घाट का निर्माण एवं रास्ते की समस्या, तालाब की साफ सफाई, गांव में जगह जगह कूड़े के ढेर, कच्चे मकान आदि अनेक समस्याएं हैं। बुजुर्ग ग्रामीणों की तो समस्या बताते हुए आंखें भर आई। इसके बाद संगठन के प्रदेश सचिव ने एडीएम महोदय को ग्रामीणों की समस्या का ज्ञापन देकर अवगत कराया। उन्होंने जल्द से जल्द 2 दिन में समस्या का समाधान कराने का आश्वासन दिया और कहा कि जैसे ही हमें धरना प्रदर्शन की सूचना मिली तो हमने तुरंत बीडीओ हापुड़ को गांव में जांच करने के लिए भेजा है। ज्ञापन देते समय गांव के ग्रामीण प्रमोद प्रदीप, इंद्र मास्टर, देव मिस्त्री, रिंकू प्रदीप, गंगा शरण, आशीष विजयपाल, भज्जू सोनू, सुरेंद्र ऑफर, लाला वेद प्रकाश, महेश प्रवेश, एडवोकेट सतवीर व मजदूर एकता संगठन के राष्ट्रीय सचिव पुरुषोत्तम वर्मा ने भी धरने में रहे एवं अनेक ग्रामवासी और महिलाएं मौजूद रही। महिलाओं ने कहा कि अगर हमारी समस्या का समाधान नहीं होता है तो हम फिर से अधिक संख्या में धरना प्रदर्शन करेंगे। हापुड़ से राजेंद्र सिंह की रिपोर्ट। डीएम आवास से चंद कदमों की दूरी पर ग्राम मुरादपुर है, जिसमें विकास का ग्राम प्रधान द्वारा कोई विकास कार्य नहीं कराए गए हैं। गांव में मुख्य रास्ता टूटा हुआ है, शमशान घाट नहीं है, तालाब में कोई सफाई नहीं है, जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं और तुम्हारे नाली हैं, टूटी भी हैं, प्रकाश व्यवस्था कोई नहीं है और ग्राम प्रधान और सेक्रेटरी की इतनी तानाशाही है कि इन जो ये ग्रामीण आए हुए हैं, महिला आई हुई हैं, इनसे कह रहा है कि कुछ भी कर लो, मैं कार्य नहीं करूँगा। जब इन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से और किसी तरह हमारे संगठन को शिकायत की है, तब मैं इनके सर्वे करने गया हूँ गाँव में, तो ये मेरे साथ इकट्ठा होकर जिला कलेक्ट्रेट पहुँचे हैं। किसी उच्च अधिकारी को भी आपने शिकायत की है इसकी? ये वर्ष 2019 से लेकर और अब तक ऐसा कोई अधिकारी नहीं बचा जिसको शिकायत ना दी हो। BDO, CDO, DM साहब, संपूर्ण समाधान दिवस, सभी को अवगत करा चुके हैं पहले भी। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल न्यूज इंडिया फर्स्ट को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड यस, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।